हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करना चाहते हैं CISF पोस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 को लेकर। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही अच्छी न्यूज, बहुत ही गुड न्यूज निकल कर आ रही है CISF की तरफ से, क्योंकि कल आपका CISF कॉन्स्टेबल फायरमैन का नोटिफिकेशन आया था तो सभी ने आपका शाम को नोटिफिकेशन डाला 2 से 3 बजे के लगभग। पर ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सुबह 7 बजे आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया था कि CISF कॉन्स्टेबल फायरमैन की वैकेंसी जा चुकी है। उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे फर्जी है। पर जैसे शाम को नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे यूट्यूबरों ने डाला, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, तो मान गए भाई कि फर्जी तो नहीं है, नोटिफिकेशन तो रियल है। पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज और बताने वाला हूँ। CISF का भर्तियों का दौर जारी हो चुका है और CISF बहुत ही जल्द 2 वैकेंसियों को जारी करने वाली है। कौन कौन सी वैकेंसी है, सारी बातें हम करेंगे और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन और फूड प्रोड्यूस जो आप किचन सर्विस में यदि भर्ती होना चाहते हैं तो ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपको हर एक चीज की अपडेट, हर एक चीज की जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड कराता रहता है और आगे भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। भर्ती आ रही है CRPF को आपका CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की। कितनी पोस्ट में आ रही है वो बता दो, कौन कौन सी ट्रेड्स में आएगी, आपकी किचन सर्विस की क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कुक और वाटर कैरियर की अलग से वैकेंसी आएगी, किचन सर्विस के नाम से आएगी या उसी में कंडक्ट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या होगी, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो मैं बता दूँ आपको, एक ध्यान रखना, सारे CRPF को आदेश मिल चुके हैं कि जो भी आप भर्ती कंडक्ट करवा रहे हैं, भर्ती को आपको 2 डिवाइड भागों में कनेक्ट करवाना है। 2 डिवाइड भागे कौन कौन से, एक आपका वाटर कैरियर, आपका कुक और वेटर और बूचर की जो पोस्ट होती है वो, बाकी बार्बर वॉशरमैन आपका सफाई कर्मचारी, वो 2 भाग में आपकी भर्ती कंडक्ट होगी। एक भर्ती आएगी अभी किचन सर्विस के नाम से, जो कि अभी आपका ITBP में चल रहा है या आपका BSF में पिछली बार आया था, वो आपकी भर्ती आने वाली है। दूसरी भर्ती आएगी मेरे दोस्तों, वो भर्ती आएगी, ध्यान रखना एक चीज बता रहा हूँ, दूसरी भर्ती आएगी वो आएगी आपका यहाँ पर कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की। कितनी पोस्टेज आ रही है वो चीजें मैं बता देता हूँ। उससे पहले आपने अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। फोरम की डेट ही बताने वाला हूँ कब से आपके फोरम स्टार्ट है। रही बात देखो बता दू आपको, कितनी पोस्ट में भर्ती आ रही है, तो 700 पोस्ट तो आ रही है कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की, जिसकी बार बार सफाई कर्मचारी वॉशरमैन वगैरह की, और आपकी 640 पोस्ट आ रही है किचन सर्विस की, जिसके अंदर आता है कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर। जिसके अंदर बताना चाहता हूँ आपको, जो पोस्टेज आएगी वो आपका जो किचन सर्विस की आएगी उसमें आपका NSQF सर्टिफिकेट मांगा है, और जो ये नॉर्मल पोस्ट जाएगी उनमें आपका किसी प्रकार का NSQF सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ओनली फॉर 10th पास पर हो तो आप इसमें भर्ती हो सकते हो। केवल आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा और उनमें आपका किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट है नहीं, ठीक है। 2 डिवाइडेशन भागों में हो गया, तो सबसे पहले हम नॉर्मल भर्ती की बात कर लेते हैं। देखो नॉर्मल भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है। नॉर्मल भर्ती के अंदर एज में थोड़ा सा डिफरेंट है और उस भर्ती में थोड़ा सा एज में डिफरेंट है। एज आपका उसमें 18 से 23 साल है नॉर्मल भर्ती में, और उसमें किचन सर्विस वाले में 18 से 25 साल है। OBC को 3 साल की छूट, SC/ST को 5 साल की छूट, दोनों में मिलने वाली है, ठीक है। अब रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, दोनों के मैं साथ ही कर लेता हूँ, दोनों के साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ। सबसे पहले आपका PET, PhD, ट्रेड टेस्ट, DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DME, RME वगैरह होने वाले हैं। देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले PET, PhD होगा, जिसके अंदर 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में क्लियर करनी होगी, और जो नॉर्मल भर्ती है उसमें आपका हाइट चेस्ट वेट, और जो किचन सर्विस में होगी उसमें हाइट चेस्ट वेट होगा। तो नॉर्मल भर्ती है उसमें आपका DV और ट्रेड टेस्ट होगा, और उसमें आपका जो किचन सर्विस वाले में होगा ओनली फॉर DV ट्रेड टेस्ट होगा नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये सिलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। रही बात आगे, अगर आगे रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटर्न एग्जामिनेशन में नॉर्मली 25-25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 का GK और 25 का हिंदी और इंग्लिश, दोनों में सेम रहता है आपका 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी दोनों में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बात रही देखो दोस्तों आपका यहाँ पर CBT मोड एग्जामिनेशन होगा, CBT मोड एग्जामिनेशन के बाद जितने पोस्टेज है उतना ही कैंडिडेट CISF पास करती है, और जैसे ये सारे पास हो जाते हैं उसके बाद भी आपका DME और RME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और जैसे आप री मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका DME और RME के अंदर पास हो जाते हो, आपका लगभग सिलेक्शन श्योर हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब मैं बताऊँ आपको, जो किचन सर्विस भर्ती है उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो NSQF सर्टिफिकेट चाहिए। NSQF सर्टिफिकेट की वैसे मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए, और जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डाल दूंगा। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपका नवंबर महीने के अंदर आने वाला, नवंबर महीने में आपके इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। देखो कौन कौन सी भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं आपका, CISF सबसे पहले फायरमैन की वैकेंसी जारी करता है, उसके जो जारी कर दी, उसके बाद HCM जारी करता है, तो HCM पहले जारी हो चुकी है CISF की,
तो BSF कंडक्ट करवा रही है। इसके बाद भी आपका कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन बचता है, तो कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी जी आ रही है, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी देखो CSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की टोटली आपकी जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर 1340 पोस्ट में बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है और अच्छी वैकेंसी CSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की है। बाकी दोनों के लिए आप फॉर्म अलग अलग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप दोनों में क्वालिफिकेशन रखते हो, दोनों में एज वगैरह मिलती है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी CSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन संबंधित, वो मैं आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में निजर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक।